हेलो फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू माय चैनल सुक्लास एटीट्यूड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर जो बेस्ट है उसके बारे में। एंड यू बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर। फ्रेंड्स, हमारी रेगुलर स्किन केयर रूटीन में हमारे स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारी स्किन जो है बहुत ही ड्राई हो जाएगी एंड हमारी स्किन में रिंकल आ जाएगी, हमारी स्किन में जो ग्लो होती है वो भी नहीं रहेगी एंड हमारी स्किन बहुत ही फ्लेकी सी हो जाएगी। तो मैं आज आप लोगों से एक ऐसी मॉइस्चराइज़र के बारे में बात करूँगी जो आपकी स्किन में ये जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर देगी। ये ड्राई एंड ऑयली दोनों स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट है एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो देखिए, ये है एम्बे का एटीट्यूड मॉइस्चराइजर। ये ड्राई स्किन के लिए भी है एंड ऑयली स्किन के लिए भी है। तो मैं आप लोगों से इसके यूज़ के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में बात करूँगी एंड किस तरीके से इसको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले वो भी बात करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर टू कलर्स का है एंड ये एक है ग्रीन कलर जो है ये ऑयली स्किन के लिए एंड ये जो पिंक कलर का मॉइस्चराइज़र है ये ड्राई स्किन के लिए। तो चलिए डिटेल्स में इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए एट फर्स्ट इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आती है एंड इसका जो 45 ग्राम्स की है एंड इसकी जो प्राइस है 599 एंड एक ही पैक आपको मिनिमम 5 to 6 मंथ तक चलेगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है बहुत ही नॉमिनल क्वांटिटी में आपको चाहिए होता है एंड ये दोनों मॉइस्चराइज़र आप विंटर हो चाहे समर हो दोनों टाइम में ही यूज़ कर सकते हो। जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपको ऑयली फीलिंग्स नहीं होने वाली है। तो ये ग्रीन वाला है, जो ये ग्रीन है ऑयली स्किन के लिए। इसकी आप बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इसमें है कीवी एक्सट्रैक्ट जो फुल विथ विटामिन सी है एंड हमारे स्किन के लिए विटामिन सी की बेनिफिट्स तो आपको पता ही होगा। ये स्किन को लाइटनिंग करती है एंड हाइड्रेट भी करती है। उसके अलावा भी है ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट जो फुल विथ विटामिन सी है एंड हमारे स्किन को हाइड्रेट करती है। उसके अलावा भी इसमें है विटामिन ए एंड विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है एंड है एप्पल एक्सट्रैक्ट जो हमारे स्किन को नारिश करती है एंड सॉफ्ट एंड सपल बनाती है। एंड फ्रेंड्स, ये मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन में ऑयल को बैलेंस करके रखती है समर में एंड विंटर में स्किन में जो ड्राइनेस होती है उसको प्रिवेंट करती है एंड मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद स्किन में जो हेवीनेस फील होती है, जो स्टिकी सा फील होती है वो इससे नहीं होती है। तो चलिए आप बात करते हैं ड्राई मॉइस्चराइज़र के बारे में जो ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है। ये मॉइस्चराइज़र भी 45 ग्राम की पैकेजिंग में आती है एंड इसका प्राइस भी 599 है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें है ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो फुल विथ विटामिन सी है जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करती है, हमारे स्किन को नारिश करती है एंड विंटर के सीजन में जो स्किन में एक ड्राइनेस फील होती है उसको नहीं होने देती है। एंड इन दोनों मॉइस्चराइजर की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है एंड पाम पैकेजिंग है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप बिल्कुल आसानी से इसको कैरी कर सकते हो। इसमें है विटामिन ई एंड विटामिन ए जो फुल विथ एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे स्किन की जो भी टॉक्सिन होती है उसको रिमूव करती है एंड है एवोकाडो एक्सट्रैक्ट जो जिसमें है गुड फैट जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा है लिकोरेस रूट की एक्सट्रैक्ट जो हमारे स्किन में सॉफ्टनेस एंड ग्लो लाती है। उसके अलावा है ऑस्मोजेलिन जो हमारे स्किन को रिवाइटलाइज करती है। तो कैसे यूज़ करना है इस मॉइस्चराइज़र को, इसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो या फिर आपने अपना जो भी कोई डेली स्किन केयर क्रीम है उसके साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट है कि आप इसको एमओए की जो बी ब्राइट डे एंड नाइट क्रीम है उसके साथ मिक्स करके यूज़ करना। एटीट्यूड की बी ब्राइट डे एंड नाइट क्रीम की
रिव्यू मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप वहां से चेक कर सकते हो। ये भी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है एंड पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो देखिए इस तरह से मिक्स करके आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड 2 times यूज़ करना है, डे में एंड नाइट में फेस वॉश के बाद। एंड आप अपने स्किन में 2 to 3 days के अंदर ही देख पाएंगे कि आपकी स्किन में कोई भी ड्राइनेस नहीं है एंड आपकी स्किन पूरी तरह से हाइड्रेट है, स्मूथ हो जाएगी आपकी स्किन। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। एंड फ्रेंड्स, ये दोनों मॉइस्चराइजर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पैच टेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसी हेल्दी स्किन केयर हेयर केयर रिलेटेड टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।